हेलो प्यारे बच्चों बच्चों अगर आपको जापान में स्टडी करनी है, या तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम या मास्टर प्रोग्राम या कोई रिसर्च प्रोग्राम है या और कोई टीचर ट्रेनिंग लैंग्वेज प्रोग्राम है, तो जापान की गवर्नमेंट ने पूरे वर्ल्ड के कुछ बच्चों के लिए, कुछ कंट्रीज के लिए एक स्कॉलरशिप बना रखी है जिसका नाम है जापानीज गवर्नमेंट मैक्स्ड स्कॉलरशिप। बहुत बेहतरीन स्कॉलरशिप है। और जापान की स्पेशली बात क्या है कि अगर आप US वगैरह की यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो काफ़ी कॉस्टली होती हैं। जापान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कोर्सेज हैं, वो थोड़े से सस्ते हैं दूसरे कंट्रीज़ के मुकाबले, और एक अच्छा एनवायरनमेंट भी है। तो इसलिए ये बनता है कि अगर आपका मन है बाहर पढ़ने का तो आप इसमें जा सकते हैं जापान में पढ़ने के लिए। तो इस स्कॉलरशिप के बारे में बताता हूँ आपको। ऑब्जेक्टिव, टू प्रोवाइड द स्कॉलरशिप इंक्लूड अलाउंस। इस स्कॉलरशिप की एक खास बात है कि ये आपकी पढ़ाई में, एयर फेयर, इन सब में तो मदद करती है, साथ में आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है 22,000 के आसपास है इंडियन रुपीज़ में। और जितने भी ये कोर्स मैंने बताया सबके लिए है ये। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, तो लगभग जितने भी ये कोर्स है इनमें 15 सीट्स के आसपास या उससे कम या ज़्यादा अवेल करते हैं इस हर प्रोग्राम में, ठीक है। इसको अप्लाई करना हो, टाइम ऑफ एप्लीकेशन होता है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए जून टू जुलाई, ठीक है, और रिसर्च प्रोग्राम में भी जून टू जुलाई, और मास्टर प्रोग्राम में अक्टूबर से दिसंबर। हर साल आप इस टाइम पे अप्लाई कर सकते हैं। ये COVID-19 की वजह से हो सकता है शेड्यूल आगे पीछे हो। कुछ स्पेशल पॉइंट हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें एडमिशन फीस, एयर फेयर, आने जाने की ट्रिप का, मंथली अलाउंस, बहुत कुछ है, ठीक है। तो अच्छी स्कॉलरशिप है ये, मतलब आपका बिना पैसे के आप जापान में पढ़ाई कर सकते हैं। अब मैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। अंडर ग्रेजुएट की डिटेल है कि आपकी इस साल जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो आप 1996 सेकेंड अप्रैल से के बाद बॉर्न हो आपकी, ठीक है। मिनिमम एलिजिबिलिटी आपके जो 12th क्लास में मिनिमम मार्क्स होने चाहिए 65%। अदर क्वालिफिकेशन, जैसे आप जिस कॉलेज में जाएंगे उसकी अपनी रिक्वायरमेंट होगी, वो सारी रिक्वायरमेंट के अलावा ये भी मस्ट है, ठीक है। इसका अपने एक टेस्ट होगा वो भी, और साथ में मिनिमम मार्क्स ये। अब देखिए फील्ड ऑफ स्टडी, तो आपके कितने कोर्स हो सकते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में। तो इसमें सोशल साइंस है और ह्यूमैनिटीज ए, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटी बी, इनमें अलग अलग पार्ट है जो आप लिंक पे जाके देख सकते हैं। लॉ, इकोनॉमिक्स, जितने भी मेजर पोर्शन होते हैं मतलब SST के, उन सब में ये कोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में। इन्होंने नेचुरल साइंस में रखा है PCM, इंजीनियरिंग कोर्स जितने भी हैं, आर्किटेक्ट भी होता है इसमें, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, जितने भी ये कोर्स होते हैं सारे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए भी अगर आप ग्रेजुएट करना चाहते हैं, डिग्री लेना चाहते हैं। बी कोर्स है एग्रीकल्चर, फूड, वेटनरी, ठीक है, वेटनरी साइंस में आपको फिशरी भी है इसके अंदर, वो सारे कोर्स, ठीक है। तीसरा कोर्स होता है नेचुरल साइंस, जिसमें मेडिसिन और डेंटिस्ट्री, ठीक है, जो मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं बच्चे। टर्म ऑफ स्कॉलरशिप, जितने भी कोर्स हैं ये, उन सब में पूरी जितने ड्यूरेशन के होते हैं वो, प्लस एक साल, जब कई बार जापान में लैंग्वेज के लिए एक साल आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाता है, तो जापान लैंग्वेज का भी जो साल होता है वो भी इसमें इंक्लूड होता है। कंडीशन है कि स्क्रीनिंग टेस्ट होगा इसका, एक रिटन एग्जाम होता है और इंटरव्यू भी होता है। तो जैसे मैंने फिजिक्स का पेपर देखा है, तो फिजिक्स का पेपर बहुत बेसिक लेवल का पेपर होता है, बशर्ते उसमें स्कोरिंग हाई जाती होगी क्योंकि पूरे वर्ल्ड वाइड इसमें अप्लाई करते हैं लोग। इंटरव्यू है तो उसकी डेट क्या होती है वो सारी लिंक में डाल रखी है मैंने। तो इस तरीके से शायद आपको इसके बारे में आइडिया हो गया होगा काफ़ी। फिर भी अगर आपको अब इसके बाद अगर आपको ये बिल्कुल इच्छा है कि मैं जापान में पढ़ूँ, तो वेबसाइट में जाइए, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में, और वहाँ जाके पूरी डिटेल देखिए। थैंक यू बच्चों, गुड लक।